समय समय पर कर्फ्यू में छूट दी जाएगी और तब आप अपने घर से निकल कर जरूरी साजो सामान खरीद सकते हैं। देश भर में सांप्रदायिक तनाव का माहौल है और पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। आप लोगों से अनुरोध है कि शांति बनाए रखें। पैसा दीजिए। आ गई तू? हाँ, कल बोला था ना, हाथ जल्दी आना। आज हमारी सालगिरह है और बाबू भी आने वाले हैं। मुझे अकेले ही जाना पड़ा मच्छी बाजार। जानती है ना, मुझे वहां जाना एकदम पसंद नहीं, पर तुझे क्या फर्क पड़ा? बाहर दंगा चल रहा था। वो सब रहने दे, कितना सारा काम बचा है। अच्छा एक काम कर, ये सब छोड़ो, जल्दी मेरे साथ आ। आपकी तरह फैल चुकी है। इससे पूरे देश में सामुदायिक माहौल बिगड़ चुका है। कई जगहों पर दंगों की भी खबर आई है।
अच्छा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सो गए। अच्छा पता है आज मैंने आपका मनपसंद खाना क्यों बनाया था? कितना भी छुपाना चाहे पर आपकी वो मुस्कुराहट मुझे सब बता देती है। याद है हमारी वो पहली सालगिरह? मुझे क्या मिलता है? एक शराबी। मैंने हमेशा आपको अपना देवता माना और देवता मानकर ही आपकी सेवा की। आपका छोटा तक्खा दे रही आपने जो दिया वो चुपचाप स्वीकार किया मगर जान नहीं पाई कि क्या कमी रह गई जो आपकी प्यार भरी एक नजर भी मुझ पर नहीं पड़ती। मैं तो खुद को पूरा का पूरा आपको सौंप चुकी हूं पर फिर भी मुझे यूं आधा अधूरा क्यों लगता है? कोई तो है जिसकी खुशबू आप अपने संग लिए फिरते हैं आजकल, है ना? पता है मां ठीक ही कहती थी
से पहले तुम्हारी पूरी जिंदगी एक बार फिर तुम्हारी आंखों के सामने आती है, जैसे आपका वो झूले पे कविताएं पढ़ना और मेरा बस आपको निहारते रहना। पर पता नहीं, आज एक अजीब सी घबराहट है। इस शहर में लाखों चेहरे, कुछ जाने, बहुत कुछ अनजाने, वो सब सामने आते जा रहे हैं, वो सब धुंधलाते जा रहे हैं। सकती इस छोटी सी जान को